हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के बारे में। सीरियल में लीप के साथ बहुत ज़्यादा नए ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे और इसी के साथ कुछ नई एंट्रीज और कुछ नई एग्जिट्स भी देखने को मिलने जा रही हैं। बेसिकली एग्जिट्स की बात कर ही रहे हैं तो मुस्कान बमने के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। ये शो को कर रही हैं एग्जिट, जो कि सीरियल में इतने ज़्यादा टाइम से पाखी का किरदार निभाते आ रही थी। इनके एग्जिट करने के पीछे का कारण यह है कि लीप आ रहा है सीरियल में और उसी के साथ इनके कैरेक्टर को भी और डेवलपमेंट मिलने वाली थी और इनके कैरेक्टर को थोड़ा एज्ड दिखाया जाने वाला था, यानी कि इनको एक मदर के तौर पे दिखाया जाने वाला था और इनकी रियल एज जो है वो सिर्फ 24 ही है। इसी करके ये टीवी पर मदर का रोल प्ले नहीं करना चाहती थी। वैसे सीरियल का जो ट्रैक है उसके हिसाब से इनको IVF के थ्रू एक बेबी होने वाला था और यही ट्रैक्स में ये हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज फिर कहती हैं कि आगे चलकर फिर ऐसे और ही रोल्स मिलते रहेंगे और ओरिजिनल उनकी एज के हिसाब से उस मुताबिक रोल्स नहीं मिलेंगे। एनीवेज, अब इन्होंने शो एग्जिट कर ही दिया है बट करेक्टर जो है वो स्टिल सीरियल का पार्ट रहने वाला है, तो नई एक्ट्रेस को ढूंढ लिया है मेकर्स ने जो कि इनको रिप्लेस करेंगी और वो है चांदनी भगवानानी। तो गाइस, चांदनी रिप्लेस करने वाली है मुस्कान को इस 5 साल के लीप के बाद वाले एपिसोड्स में, यानी कि चांदनी अब सीरियल में पाखी का किरदार निभाएंगी और पाखी अब मदर भी बनेगी। वही जब स्टोरी लाइन जो मेकर्स ने सोच रखी थी ओरिजिनल एक्ट्रेस के साथ वही बस कंटिन्यू होगी, बस एक नई एक्ट्रेस के साथ। तो हमारे इंडियन टेलीविजन पे रिप्लेसमेंट्स वगैरह होती रहती हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है, बस इसी पे सब मैटर करता है कि जो नया एक्टर है या फिर नई एक्ट्रेस है वो बिल्कुल से किस तरह से पुराने कैरेक्टर के ही एसेंस को मेंटेन करते हैं, उसी को कायम रखते हैं। चांदनी को लास्ट टाइम देखा गया था दंगल टीवी के सीरियल सिंदूर की कीमत में एंड ऑल्सो वो दूसरे सीरियल्स का भी हिस्सा रह चुके हैं, जैसे कि संतोषी माँ, खिड़की, महाकाली, स्टार प्लस का सीरियल इमली और अब उनका ये नया सीरियल होने जा रहा है। इनमें इनका जो कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स बाकी का कैरेक्टर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट था सीरियल की स्टोरी के लिए, लेकिन ये लीप के बाद वाले एपिसोड्स में और भी इंटीग्रल रहेगा बाकी का कैरेक्टर, और भी इनकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है, करंट वाले ट्रैक्स में सिग्निफिकेंस रहने वाली है। कमेंट सेक्शन में बताइए रिप्लेसमेंट के साथ आप सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं। वैसे जब आप टीवी पे देख लेंगे कोई एपिसोड उसके बाद ही अपना ओपिनियन बता सकते हैं, लेकिन स्टिल लुक वाइज आपको क्या लगता है रिप्लेसमेंट कैसी है। और सारी अपकमिंग अनुपमा के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।